माननीय सांसद का अहंकार, सांसद को अमेठी ने अपने पलकों में बिठाया था। जनता से अपना जुड़ाव बहुत कम रहा है और लगातार 5 साल दूरी बना रहे हैं। अमेठी ये चाहती थी कि नफरत हारे मोहब्बत जीते। हर दिल के मुंह से निकलता था अब की बार के असर में कांग्रेस की ये घरेलू सीट है और नेहरू गांधी जो परिवार है उसका अमेठी से बहुत गहरा नाता है। स्मृति ईरानी जी यहाँ 5 साल सांसद रही और उन्होंने दावा किया कि हम बहुत सारे काम किए, बावजूद उसके अमेठी की जनता ने उन्हें नकार दिया। और कांग्रेस की क्या ऐसी भूमिका रही जो इस बार चुनाव कांग्रेस यहाँ जीत गई? देखिए, उसके माननीय सांसद जी के हारने का 2 कारण है। एक कारण यह है जो ये संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ, ये नीचे तक बैकवर्ल्ड BC ST में गया, नीचे तक लोगों में चला गया कि अगर कहीं सरकार फिर BJP की बनेगी 400 के पार तो हमारा आरक्षण और संविधान दोनों में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा छेड़छाड़ की जाएगी। एक ये कारण था लोगों में गया। दूसरा, माननीय सांसद का अहंकार, सांसद को अमेठी ने अपने पलकों में बिठाया था कि जो है यहाँ का बहुत काम होगा, भारी भरकम मंत्री है, बड़ा चेहरा है, लेकिन जिस हिसाब से लोगों ने राहुल गांधी को हराया, एक बहुत बड़ी हस्ती को हराया था और माननीय सांसद जी को जिताया था, तो कहीं ना कहीं अपने उस पर खरा नहीं उतरी अपने काम पे। और लगातार उन्होंने केवल राहुल नाम का चालीसा पढ़ा और जो है अपने अहंकार में रही, लोग उनसे दूर होते चले गए और लोगों को समझा नहीं पाई। और KL शर्मा यहाँ 40 साल रहे और लोगों को समझा ले गए, इस कारण से माननीय सांसद जी हार गई और नए सांसद माननीय KL शर्मा जी जीत गए। हम तो बता दिए हैं आपसे कि जो उन्हें ये था कि उनको कैप्टन सतीश KL शर्मा को जो है करीब सब लोग गांव-गांव जानते थे, एंटी कन्वेंसी चुनाव बदलाव, लोग चाह रहे थे कि इनको देख लिया जाए एक बार, ये यही जो उन्हें खास कारण है। स्मिता रानी 1 महीना 2 महीना 15 दिन पे वहाँ जाते थे, जिसके समय सुनती थी स्मृति ईरानी, इसी बात नहीं कि नहीं समझ, कोई गलत कह दे ठीक है, तो अपना कार्यकाल जो है बाकी भाया है, मगर लोग चाहते हैं कि बदला यार भाई। स्मृति ईरानी जो है हार गई और वो ये जीत गए। शर्मा लोगों का रुझान था, लोगों का इतना ज्यादा था कि सब हर दिल के मुंह से निकलता था अब की बार KL शर्मा, इसीलिए स्मृति हारी है और कोई वजह है ही नहीं है। दुर्गा जी ये बताइए, स्मृति ईरानी जो अमेठी में सांसद थी और अमेठी में बहुत विकास काम किया, इसके बाद भी हार का सामना करना पड़ा, क्या लगता है आपको? जनता से अपना जुड़ाव बहुत कम रहा है और लगातार 5 साल दूरी बना रहे हैं और सबसे जो हमारे दिव्यांग समाज का सबसे कमजोर तबका है उनके लिए कोई भी विशेष कार्य नहीं किया गया, यही हार का कारण रहा। कांग्रेस इस बार अमेठी से जीत दर्ज की है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, कांग्रेस की ये घरेलू सीट है और नेहरू गांधी जो परिवार है उसका अमेठी से बहुत गहरा नाता है और इस नाता को, इस जो रिश्ता है अमेठी का, गांधी परिवार का जो अमेठी लोकसभा से रिश्ता है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। अगली बार जो है कुछ भ्रम था, उस भ्रम में आवाम ने, जनता ने अमेठी के जो है समझ नहीं पाई और सीट जो है हार गई, लेकिन इतना गहरा रिश्ता है कि हर बार इस तरह नहीं हो सकता। और अमेठी बदलाव भी चाहती थी और अमेठी ये चाहती थी कि नफरत हारे मोहब्बत जीते, और क्योंकि किशोरी लाल जी 43 सालों से अमेठी में अपनी सेवा दे रहे हैं और वो जन जन को जानते हैं, अमेठी के कार्यकर्ता को जानते हैं और अमेठी के एक एक वोटर को जानते हैं और हर गाँव में उनकी अपनी पकड़ है और जमीनी कार्यकर्ता है वो। इस वजह से यहाँ की आवाम ने, यहाँ की जनता ने एक ऐसे नेता को चुना जो जन जन को जाने, घर घर को जाने, और जब उनके पास पहुँचना हो तो किसी लौ लश्कर की जरूरत ना हो और उनसे जाके मिल के अपनी बात रख सके।